प्लीज सब आके हमारी हेल्प करें, हमारा साथ दें, अपने हिंदुस्तान को जो प्यारा वतन है उसको बचाएं। मुझे सबसे अपील है, सबसे निवेदन है मेरा कि हर कोई अपने घर से बाहर निकलो। आज नहीं निकलोगे तो कभी नहीं निकलोगे। कल को अपने बच्चों के जो गाली देंगे कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या करके गए, मुझे सबसे अपील है आप निकलें। इस वक्त आपके पास मौका है, फिर मौका नहीं मिलेगा। काश आप रोएंगे कि काश वो मौका मिला था, हम भी अपना साथ देते। For 23 days now, women have been protesting at Shaheen Bagh against the atrocities meted out upon students and against the Citizenship Amendment Act. Today, they allege that Home Minister Amit Shah wants to clear the road in order to get to Noida, for which they have a simple solution. ये भी सुनने में आया था कि अमित शाह की जिद है कि अगर मैं जैतपुर जाऊंगा तो सरिता विहार अपोलो होकर के जाऊंगा, जबकि रास्ता रेस कोर्स आने के लिए डीएनडी होकर के भी है, नोएडा होकर के भी है। अरे अगर आपको कहीं जाना है तो हेलीकॉप्टर से जाओ ना भाई, आप तो इतने महान आदमी हैं। But how long are these women willing to sit it out on the highway, and what would it take for them to pack up and leave? Let's find out from the women themselves. CAA NRC वापस ले ले, इसी की मांग है भाई। इतने दिन का है ना, कहाँ से लाएंगे बताओ? 70 साल पुराना हम अपनी पैदाइश का कहाँ था? मैं 51 साल पहले की जन्म पत्र तो मेरे पास है ही नहीं। मेरे माँ बाप भी मर गए, अगर कहीं रखे होंगे खत्म हो गई, हाई नहीं मैका ही नहीं है, तो अब जन्म पत्री कहाँ से लाएंगे? वो हमसे मांगेंगे, हम कहाँ से देंगे? ऐसी क्या मांग है आपकी जो अगर सरकार मान ले तो आप यहाँ से उठ जाएंगे? मांग यही है कि एनआरसी सीएए सीवी क्या क्या लागू करे वो सब वापस, जैसे था वैसे है, जैसे पहले जनगणना होती थी वैसे घर घर में आए जनगणना करे बस। तब तक आप नहीं उठेंगे? नहीं उठेंगे। हम लोग घर के काम करें या यहाँ पे आके बैठे? रोज रोज तो नहीं होगा ना हमसे। अब हमारी मांग है सीएए वापस लो, एनआरसी वापस लो। जब तक ये नहीं लेंगे हम ये कोशिश करते रहेंगे। अब जान तो जानी है, देखिए वैसे भी जानी है। अगर ये एनआरसी हम पे थोप दी गई और आ गई तो जान तो जानी है ना। मेरे पास और मेरी जैसी बहुत सारी बहनों के पास जो घर में पैदा हुई हैं, कहाँ से वो लाएंगी? कहाँ से उनके पेरेंट्स लाएंगे? पास सर्टिफिकेट कहाँ से देंगे? तो देखिए फाइनल सी बात है, मरना तो है हम लोगों को, तो वहाँ मरे उससे अच्छा हम यहाँ मरे। यहाँ मरेंगे तो शहीद तो कहलाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने जो रोड ब्लॉक किया है उससे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है लोगों को, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। पर मैं एक ही चीज कहूंगी, परेशानी तो जेएनयू में जब स्टूडेंट्स को मारा गया था वो भी तो परेशानी है, क्या वो परेशानी नहीं है? ये परेशानी से तो वो बड़ी परेशानी है ना। किसी की जान चली गई, किसी कोई बेहोश हो गया, वो स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे अब क्या पढ़ेंगे वो लोग? और आज हमने यहाँ पे रोड ब्लॉक की, ठीक है ये गलत है, पर क्या वो सही है? हमारी मांगे आजादी है, हम हमारे जो जितने गरीबों की आजादी है। एनआरसी जो एमपीवी है वो वापस ले ले, काला धंधा जो काला कानून बना रखा वो आप बंद करें, कम कर दें। आज स्टूडेंट पे हो रहे भाई, हम हाउस वाइफ हैं, बस सेफ नहीं है, हमारी दादी हमारी माएँ सेफ नहीं है, कब क्या कर देंगे? और इसके जिम्मेदार कौन होंगे? सरकार होंगे, क्योंकि सरकार को इस चीज़ को रोकना चाहिए। आज औरतें को खींच खींच के मारे जा रहे हैं। Despite facing threats that the Delhi police could evacuate this place today, the women at Shaheen Bagh show no signs of slowing down. They're chanting their slogans, they're singing their songs, and they seem determined to stay here, to not leave this place until the CAA and the NRC are repealed. With cameraman Sachin, this is Deepit for NDTV Hop Live.